नमस्कार दोस्तों, आजकल मार्केट में कुछ इस तरीके के सूट आते हैं जो कि सेंटर में यहाँ पे पट्टी पट्टी आती है। अब सेंटर में अगर हम पट्टी लगाएं और गला बना दें तो ठीक ठीक लगता है, लेकिन इतनी ग्रेस नहीं आती। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा आइडिया लेकर के आया हूँ जो कि हम पट्टी उतार के और इसको बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनाने वाले हैं, क्योंकि पट्टी के साथ में ही हम कुछ ऐसा डिजाइन बनाएंगे जो कि यहाँ पे पूरी नेकलाइन आपकी एक भरी हुई लगेगी और बहुत ही अच्छा यहाँ पे पीस बन जाएगा। नहीं तो क्या होता है, सिंगल पट्टी के द्वारा इतनी ग्रेस नहीं आती। आप चाहे कितना भी महंगा कपड़ा लें, जिस पे सिंगल पट्टी आती है तो वो इतना ग्रेसफुल नहीं होता। तो यहाँ पे डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पट्टी हमने उतार लेनी है, इस तरीके से अलग कर लेनी है, क्योंकि ये सिलाई से अटैच होती है ज़्यादातर। उसके बाद हमने एक यहाँ पे पीस लिया है, ये हमने बॉटम वाले फैब्रिक का प्लेन पीस लिया है। तो साइज है हमारा यहाँ पे 4.5 इंच की पट्टी है ये, और इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारी 15 इंच की है, 15 इंच की पट्टी है। और साथ ही हमने बाहर की साइड के लिए एक ये वाली लेस ली हुई है, ये हमारी बाहर की साइड आ जाएगी। तो अब हमें इसमें सबसे पहले एक धागे का काम करना है। धागे का काम एंकर के जो धागे होते हैं उस तरीके का हम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए कुछ धागे डाले हुए हैं सुई में, इस तरीके के तीन तीन धागे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। और आप देखोगे यहाँ पे ऊपर की साइड मैंने एक ये ऊपर लगाई हुई है रील, और दो एक बॉबिन और सिंगल यहाँ पे रील लगाई हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप भी डाल लें और ये अच्छी तरीके से मशीन में चल जाता है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस करते हुए ऐसे निशान लगा लेना है। तो ये निशान होगा, इसी के ऊपर हमें यहाँ पे काम करना है एंकर के धागे का। नीचे की साइड आप पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर ले ताकि आपके काम में अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे ये एंकर के धागे की सिलाई हमारी आ जाती है। तो यहाँ पे नजदीक से देखेंगे कितना प्यारा सा, ये देखिए एंकर के धागे का काम हमारा हो गया है। तो इसी तरीके से हम पूरी पट्टी के ऊपर यहाँ पे गैप छोड़ते हुए एक एक पैर का और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एंकर के धागे का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और आप देख रहे हो कितना प्यारा सा यहाँ पे काम हुआ है। अब हमने यहाँ पे ये वाला सेंटर का बॉर्डर लेना है और इसको इस तरीके से रखना है, ऐसे रखना, और यहाँ पे इसको स्टिच कर देना है। बॉर्डर हमने लगा लिया है, इसके बाद हम इसे बाहर की साइड वाला जो कपड़ा होगा ये वाला फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है तीनों साइड से। तीनों साइड से फोल्ड करने के बाद अब है हमारे पास यहाँ पे ये वाली लेस, तो ये हम यहाँ पे अटैच करेंगे बाहर की साइड। इसको नीचे की साइड से आप इस तरीके से रखें ऐसे, और यहाँ पे अटैच करते जाएं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बाहर की साइड यहाँ पे लेस जो है अटैच कर ली है। लेस अटैच करने के बाद अब हम फ्रंट में यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे रखते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ऊपर की साइड जो भी आपने नेक लाइन बना ली हो ये आप ऐसे रख के चेक कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये बॉर्डर जो हमने तैयार किया है ये हमारा दबना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ये परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे अब हम इसको अटैच कर देंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नेक डिज़ाइन कर लिया है कंप्लीट, और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन करके हमारा तैयार हुआ है। सिंपल से धागों की मदद से और छोटी सी लेस के द्वारा हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन बना करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों, आपके पास भी अगर कोई ऐसा पीस आता है जिसमें सिंगल बॉर्डर होता है, तो उसको आप कैसे डेकोरेट करके बना सकते हो, ये मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।